यतिखेर हामी मुम्बईको सुप्रिम च्याम्बर बिल्डिङ अगाडि छौँ र यो रहेको छ वीरा देसाई रोड अन्धेरी वेस्टमा। पक्कै पनि मेरो ब्याकग्राउन्डमा एकदमै ठुलो ग्रान्ड बिल्डिङ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ र यो रहेको छ अहिले प्रेम गीत 3 पोस्ट प्रडक्सनको काम जहाँ भइरहेछ यही बिल्डिङमा भइरहेको छ। रियल टच स्टुडियो रहेको छ यो बिल्डिङमा। यहाँबाट डिआईमा पनि यहाँबाट क्यारे सर्कुलेट छ। यहाँ जोडेपछि सबैतिर चाहिँ काम टेबलमा बसेर गर्ने क्या। हाम्रो नेपालमा जस्तो त्यो हार्ड डिस्क बोकेर माथि जाने, हार्ड डिस्क बोकेर तल जाने हुँदैन। बलिउडको थुप्रै सुपरस्टारहरूले यहाँ काम गर्नुहुन्छ, जस्तै करण जोहर जो एकदमै बलिउडको ठुलो डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यही काम हुने गरेको छ। यहाँको यहाँ उहाँको अफिस रहेको छ यो बिल्डिङमा। जितने भी बलिउडकै सबै स्टारको बताए स्टुडियो सबै लोग आते बडे 15,000 स्क्वायर फिटमा स्टुडियो है। प्रदीप जी र क्रिस्टिना जी एकदमै इन्टरभ्यू दिन व्यस्त हुनुहुन्छ भित्र रियल टच स्टुडियोभित्र, र उहाँ चाहिँ जुम जस्तो इन्डियाको नम्बर 1 बलिउड च्यानललाई जसको चाहिँ ड्रिम रहन्छ होइन जुममा इन्टरभ्यू दिउँ भनेर, उहाँले चाहिँ त्यो ड्रिम आज पुरा गर्नुभएको छ। जुम जस्तो एकदमै ठुलो मिडियालाई उहाँले इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ र हामी त्यो झलक यहाँलाई देखाउनेछौँ। यही बिल्डिङबाट चाहिँ मैले हिजो मात्रै भर्खरै ब्रह्मास्त्रको डिरेक्टर यानि कि आयान मुखर्जीलाई पनि देखाएको थिएँ। र सन्तोष सेनका जो है ये फिल्म से प्यार हो गया और इस आदमी से प्यार हो गया। ओके, यो 2 मिनटको ब्रेकमा चाहिँ हामी ठ्याक्क प्रदीप खड्का र कृष्णा गुरुङसँग थोरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँलाई फेरि पनि न्युज फिल्ममा धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूको विशेष ब्रेक कसरी भयो त? यतिखेर हामी मुम्बईको सुप्रिम च्याम्बर बिल्डिङ अगाडि छौँ र यो रहेको छ वीरा देसाई रोड अन्धेरी वेस्टमा। नमस्ते दर्शकबिन, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। न्युज फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ, म सृष्टि उपस्थित भएको छु सधैँ चाहिँ। र यति बेला हामी पक्कै पनि मेरो ब्याकग्राउन्डमा एकदमै ठुलो ग्रान्ड बिल्डिङ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ र यो रहेको छ अहिले प्रेम गीत 3 पोस्ट प्रडक्सनको काम जहाँ भइरहेछ यही बिल्डिङमा भइरहेको छ। रियल टच स्टुडियो रहेको छ यो बिल्डिङमा, जहाँ चाहिँ प्रेम गीत 3 हिन्दी भर्जनको प्रड्युसरहरू सुभाष काले, प्रशान्त गुप्ताहरू यो स्टुडियोमा संलग्न हुनुहुन्छ। र स्टुडियो यो स्टुडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्दा चाहिँ बलिउडको थुप्रै सुपरस्टारहरूले यहाँ काम गर्नुहुन्छ, जस्तै करण जोहर जो एकदमै बलिउडको ठुलो डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यही काम हुने गरेको छ। यहाँको यहाँ उहाँको अफिस रहेको छ यो बिल्डिङमा र यो बिल्डिङको नाम रहेको छ सुप्रिम च्याम्बर। र प्रदीपजी यति बेला आफ्नो फिल्मको हिन्दी भर्जनको डिफ्रेन्ट कामको लागि मुम्बई आइपुग्नु भएको छ र हामी सँगसँगै उहाँको टिममा संलग्न भएर प्रमोसनको लागि आइपुगेको छौँ। प्रिमियर पनि हुँदैछ केही दिनमा, र अहिले भने चाहिँ प्रदीपजी र क्रिस्टिनाजी एकदमै इन्टरभ्यू दिन व्यस्त हुनुहुन्छ भित्र रियल टच स्टुडियोभित्र, र उहाँ चाहिँ जुम जस्तो इन्डियाको नम्बर 1 बलिउड च्यानललाई जस्तो चाहिँ ड्रिम रहन्छ होइन जुममा इन्टरभ्यू दिउँ भनेर, उहाँले चाहिँ त्यो ड्रिम आज पुरा गर्नुभएको छ। जुम जस्तो एकदमै ठुलो मिडियालाई उहाँले इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ र हामी त्यो झलक यहाँलाई देखाउनेछौँ। र अहिलेलाई भने चाहिँ हामी यो स्टुडियो भिजिट गर्नेछौँ, यो एकदमै ठुलो बिल्डिङ जुन यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। सुप्रिम च्याम्बर यो बिल्डिङ अगाडि यदि ग्राउन्ड फ्लोरमा छौँ र पक्कै पनि म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ सुप्रिम च्याम्बर लेखिएको छ र यहाँ चाहिँ कुन कुन बलिउडको एकदमै ठुलो प्रडक्सन हाउसहरू छ यहाँ भनेर देखाइएको छ एकदम मजाले चाहिँ। जस्तै अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फर्स्टमा मेरो एकदम नोटिस गएको भनेको चाहिँ इरोस इन्टरनेसनल मिडिया लिमिटेड छ, त्यसै गरी धर्माटिक इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड छ जुन रहेको छ करण जोहरको, र त्यसै गरी धर्मा प्रडक्सन रहेको छ 201, र सँगसँगै 102 रहेको छ रियल टच स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ चाहिँ प्रदीपजी र कृष्णाजी एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी 202 यानि कि 102 एकदम माथि यानि कि एक तला माथि चाहिँ करण जोहरको अफिस रहेको छ। करण जोहर भन्ने बित्तिकै मैले केही भन्नै पर्दैन किनभने उहाँ एकदमै ठुलो ब्रान्ड हो बलिउडको, र यति ठुलो सुपरस्टारहरू चाहिँ यही बिल्डिङमा आउने गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अहिले प्रदीपजी र क्रिस्टिनाजी पनि हुनुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ भन्न चाहेँ, यही बिल्डिङबाट चाहिँ मैले हिजो मात्रै भर्खरै ब्रह्मास्त्रको डिरेक्टर यानि कि आयान मुखर्जीलाई पनि देखाएको थिएँ, र त्यसै गरी सन्तानु सायद उहाँको नाम सान्तनु होला, आलिया भट्टको जोको एक्टर हुनुहुन्थ्यो गङ्गुबाई कथाइवाडीमा, उहाँ पनि हिजो भर्खरै यहाँबाट ठ्याक्क निस्किँदै गरेको मैले झलक देखाएको थिएँ। त्यसै गरी ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ यो बिल्डिङबाट निकै ठुलो सुपरस्टारहरूको आउने जाने क्रम जारी रहन्छ, र म अब भने चाहिँ यहाँलाई प्रदीपजीको पोस्ट प्रडक्सनको हिन्दी फिल्म हिन्दी डब फिल्म पोस्ट प्रडक्सन जहाँ काम भइरहेको छ यानि कि रियल टच स्टुडियो,
त्यहाँ जानेछौँ र जुन रहेको छ योभन्दा माथिको फ्लोरमा यानि कि 102 करण जोहरको अफिसको एक स्टेप तल र हामी जाँदै यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। प्रदीपजी के गर्दै हुनुहुन्छ हामी त्यो यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। अब पक्कै पनि मिडिया इन्ट्रोडक्सनमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। सो लेट्स गो। ओके, यसै क्रममा चाहिँ हामी फर्स्ट फ्लोर यानि कि रियल टच स्टुडियोमा आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि यहाँ देखिरहनु भएको होला। र फर्स्टमै मैले नोटिस गरेको यहाँ आउने बित्तिकै भनेको चाहिँ प्रेम गीत तिनकै चिफ एडी हुनुहुन्छ ललित विष्टजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। के छ त, कस्तो काम भइरहेछ यहाँ होइन, कहिलेदेखि मुम्बईमा हुनुहुन्छ, थोरै भनिदिनु होला। चलचित्र प्रेम गीत तिनको कामको लागि चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि यतै छौँ हामी। लगभग अब चलचित्र सेप्टेम्बर 23 रिलिज भइरहेछ, असोज 7 गते। सबै काम लगभग सकिसकेको छ, अब फिल्म चाहिँ प्रदर्शनको लागि तयार भइसक्यो। ओके, सँगसँगै यहाँ पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ रेड सोफामा चाहिँ सबैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ प्रदीपजी र कृष्णाजीकै इन्टरभ्यू गर्नको लागि वेटमा हुनुहुन्छ, इन्डियन मिडिया हुनुहुन्छ। सँगसँगै हात वेभ गरिराख्नु भएको छ हाम्रो गोपी कृष्ण चापागाईजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपालबाटै हामीसँगै आउनुभएको छ, कन्फ्युज नहुनु होला। र गोपीजी कस्तो भइरहेछ यहाँको मुम्बई बसाइ? एकदम राम्रो। तपाईँहरू अलि अगाडि आउनुभयो, म अलि ढिलो आइपुगेँ, 2 दिन भयो। एकदमै यहाँ हामीले जति बाहिरबाट देखेको थियो सोसियल मिडियामा त्योभन्दा अझै पनि, किनकि चोक चोकमा पोस्टरदेखि लिएर यहाँको चर्चा, जो कोहीलाई सोध्यो भने पनि नेपाली फिल्म प्रेम गीत थाहा छ भन्ने खालको रहेछ। खुसी लाग्यो। होस्, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, यो रियल टच स्टुडियो भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ यति बेला सुभाष काले सरको अफिस अगाडि छौँ हामी र उहाँकै बडी गार्ड हुनुहुन्छ हामीसँग दुबेजी। दुबेजी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है, आइए आप रियल टच। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, यसै क्रममा चाहिँ मैले ठ्याक्कै नोटिस गरेको भनेको अमिताभ बच्चन, यानि कि बलिउडको मेगा स्टार अमिताभ बच्चनको फोटो रहेको छ, एकदमै ठुलो बनाएर फ्रेम गरिएको छ। सायद उहाँप्रतिको रेस्पेक्ट होला यो स्टुडियोको तर्फबाट। र म यो सोध्न चाहन्छु सरलाई, सर ये किस फिल्म के दौरान ये पिक्चर ली गई? ये 3 फिल्म है जो है, अमित सर की 3 फिल्म है जो कि कलकत्ता में शूट की गई थी जो है। तो इसका हम लोगों ने कैमरा सप्लाई किया था और हमारे यहाँ से पोस्ट हुई थी फिल्म जो है। जी, ये बड़े फ्रेम करके आप लोगों ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और प्रदीप जी और कृष्णा जी कहाँ पर है इस वक्त? वो इस समय एक प्रोग्राम चल रहा है उनका जो है, वो वहाँ पर है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, पक्कै पनि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, राइट लेफ्टमा मजाले नोटिस गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यसै गरी चाहिँ यो एकदमै ठुलो फ्रेम राखिएको छ, यहाँ शाहरुख खान, त्यसै गरी राज कपुर, त्यसै गरी माधुरी दीक्षित, त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ सर आप प्लिज हेल्प गरेँगे, ये कौन है मुझे? पुरानी आर्टिस्ट है, आलिया भट्टे, हमारी जेनरेसन की एक्ट्रेस। ये 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 आप दिलीप कुमार जी? यस, दिलीप कुमार। और ये सलमान खान तो हम सब जानते हैं, ठीक है। और वो लोग कहाँ पर है अभी, प्रदीप जी और कृष्णा जी? ये डिजिटल ग्रेडिंग रूम में है, ठीक है। और उहाँहरू इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म बिस्तारो बोल्छु र डिस्टर्ब हुन्छ सायद। त्यसै गरी हामी बिस्तारै आउनु होला, उहाँहरू पछाडि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ। बोलना चाहूँगी कि हमारा प्यार का टोकन जो फिल्मी थी आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो 23rd September में देखना मत भूलिएगा, एक बार देखिएगा, एक चांस जरूर दीजिएगा और रिव्यू देना मत। ओके, यो 2 मिनटको ब्रेकमा चाहिँ हामी ठ्याक्क प्रदीप खड्का र कृष्णा गुरुङसँग थोरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँलाई फेरि पनि न्युज फिल्ममा धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूको विशेष ब्रेक कसरी भयो त? मतलब इन्डियन मिडियालाई यति धेरै धमाधम दिइराख्नु भएको थियो र मैले नोटिस गराएको थिएँ होइन, जुम इन्डियाज नम्बर 1 बलिउड च्यानललाई चाहिँ इन्टरभ्यू गर्नुभयो भर्खरै होइन, कस्तो रह्यो त जुममा इन्टरभ्यू? ठिक छ, एकदम रमाइलो भयो जुम पछि। अब आजतकको पनि पालो छ एकछिनमा, यहाँको मेजर मिडियाहरूले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यही हो, थ्याङ्क यू। E24 पनि भर्खर लिएर E24 सबै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली मिडियालाई इन्टरेक्सन गर्नु र इन्डियन मिडियासँग इन्टरेक्सन गर्नुमा डिफ्रेन्सेस के पाउनु भयो एक्ज्याक्टली? होइन, आफ्नो आफ्नो तरिका होला। यहाँको मिडियामा चाहिँ अलिकति
सफ्ट कर्नर राखेर हामीलाई अलिकति बढी नयाँ मान्छे हो भनेर अलिकति सफ्ट कर्नर राख्नु भयो होला. उहाँ चाहिँ यिनीहरू अलि ऊ छन् भनेर जस्तो राखेको जस्तो लाग्छ इनोसेन्टै पाएर होला. यहाँ अलिकति सफ्ट कर्नर राखेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ. हुन्छ नि जस्तै अब वर्ल्ड वाइड चाहिँ इन्डियन मिडिया भन्दाखेरि अलिकति हेडलाइनहरू त्यस्तै आउने मसालेदार हुन्छ नि, अलिकति कुरा थपेर बनाएर हामी अरू फिल्ममा देख्छौँ नि अरू बलिउड सुपरस्टारहरू. भर्खर इन्टरभ्यू भएर चाहिँ हेडलाइन हेर्न भएको छ, अब हेडलाइन के आउँछ हेरौँ न होइन. क्रिस्टिनाजीले चाहिँ यहाँको मिडियाको एकदम नोटिस गर्नुभएको, यहाँको मिडिया कर्मीले जर्नलिस्टहरूले चाहिँ यहाँलाई कस्तो प्रशंसा दिनुभयो या त के भन्नुभयो खास? दे आर रियली नाइस होइन, यस्तो राम्रो ट्रिट गर्नुहुन्छ कि हुन्छ नि एकदम गाइड गरेर हुन्छ नि राम्रो वार्म वेलकम गरेको टाइपको फिल हुन्छ कि, अट्याक गर्न खोजेको टाइपको फिल हुँदैन. सो भेरी थ्याङ्कफुल. धेरै बेर भयो वेट गरेर हामी फेरि विल गेट ब्याक अहिले एकछिन है त. थ्याङ्क यू. एंड आप देख रहे हैं टेली खजाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ. थैंक यू. प्रदीप भाई एंड क्रिस्टीना जी, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इतना अच्छा इंडियन रिस्पांस मिल रहा है. मतलब मुझे इतने लोगों ने बोला कि प्रदीप भाई से ये क्वेश्चन पूछना, क्रिस्टीना जी से ये क्वेश्चन पूछना. आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ. इंडियन ऑडियंस कितना प्यार दे रही है? बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. उनको लग रहा है कि एक नई टीम कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए. जैसे आपने बताया ट्रेलर्स पे जो कमेंट्स है, ट्रेलर का व्यूज जो है और पब्लिक का रिएक्शन बहुत बढ़िया है. बहुत बहुत शुक्रिया. प्रदीप जी र क्रिस्टिनाजी चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूले देख्नुभयो एकदमै धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो. हिजो आज हरेक दिन उहाँहरूको इन्टरभ्यू चलिरहेको छ. इन्डियन मिडियालाई उहाँहरूले इन्टरेक्सन गरिराख्नु भएको छ र त्यसै क्रममा हिजोको कन्टिन्युटी चाहिँ थोरै अलिकति ब्रेक भयो. यहाँहरूलाई म थोरै इन्फर्मेसन दिन चाहेँ. हिजो चाहिँ उहाँहरूको समय एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एकदमै ह्याक्टिक समय भएकोले चाहिँ मैले कन्टिन्युटी दिन पाइनँ. त्यसै गरी यो हाफ अफ द सेड्युलको लागि चाहिँ अहिले आज हामी फेरि पनि आइपुगेका छौँ र हिजो चाहिँ स्पेसल स्क्रिनिङ पनि रहेको थियो र मैले यहाँहरूलाई बेलुका अर्को एपिसोडमा न्युज फिल्म अलरेडी आइसकेको छ त्यो एपिसोड मैले यहाँहरूलाई देखाएँ पनि. र सँगसँगै मैले यहाँ चाहिँ स्टुडियो रियल टच स्टुडियोमा प्रड्युसर डिरेक्टर सन्तोष सेनलाई देखिरहेको छु एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ फोनमा. हेलो हेलो सर, वेलकम टु न्युज फिल्म. नमस्ते. के छ त यहाँको हालखबर? आज हुन्छ नि हामी चाहिँ एकदमै हिजोदेखिकै यो थियो हाम्रो आज आदि यो सेड्युल चाहिँ अलिकति ब्रेक भयो यो एपिसोडको. रियल टच स्टुडियोमा प्रेम गीत तिनको काम कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ खास, यहाँ यो यसको जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भएको थियो त्यो बारेमा चाहिँ. यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो एडिटिङ रुम हो होइन. स्टुडियोबाट चाहिँ सूर्य भा एडिटिङ सञ्जय साङला यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ यता बस्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो एडिटिङ यहाँबाट समाप्त भएर हामी चाहिँ यो स्टुडियोको प्रेम गीत तिनको एडिटिङ यहीँ भएको हो. हजुर, फिल्मको पनि पोस्ट प्रडक्सन चलिरहेको थियो अहिले यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ. यो मराठी फिल्ममा धर्मवीर यहाँ चाहिँ धेरै ठुल्ठुला बलिउड फिल्मको पनि एडिटिङ पोस्ट प्रडक्सनको काम हुँदो रहेछ है. र सँगसँगै अरू कता कता के भएको थियो प्रेम गीत तिनको थोरै भनिदिनु होला सन्तोष सर. एकदम रुगामर्गीले च्यापे जस्तो छ. हाम्रो डबिङ स्टुडियो नयाँदेखि पुराना बलिउड स्टार जब वी मेट त्यसै गरी कलरको ग्रेडिङ भयो, यो थिएटर यो स्क्रिन भयो, यहाँ माथि यो बेस लाइट होइन, बेस लाइटबाट चाहिँ यहाँ यो कलर ग्रेडिङ हुन्छ. यहाँबाट टक्कै यो हाम्रो कलर क्यार डिआई गर्ने इन्जिनियर बस्नुहुन्छ. त्यहाँपछि हामीले स्क्रिनमा हलमा थिएटरमा जस्तो देख्छौँ यहाँ त्यही तरिकाले चाहिँ ग्रेडिङ हुन्छ कि कलर टोनहरू दिने यहाँबाट त्यो फरक पर्दैन. जस्तो कि मोनिटरबाट गर्छौँ नि हामी नेपालमा, तर चाहिँ यस्तो प्रविधि चाहिँ आवश्यक छ क्वालिटीको लागि, त्यो डेप्थको लागि होइन. अनि कलरिस्टले काम गर्न त्यस्तो त
स्क्रिनमा के आउँछ भन्ने यहीँ थाहा हुन्छ क्या आउटपुट. त्यही हुनाले चाहिँ कतिको हुन्छ नि कतिको फरक हुँदो रहेछ. जस्तै नेपालको पोस्ट प्रडक्सनको काममा र यो बलिउडको पोस्ट प्रडक्सनको काममा चाहिँ कतिको धेरै फरक पाउनुभयो यहाँले. यहाँ अब इक्विपमेन्ट प्रविधिहरू एकदमै अब अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिन्छ वर्ल्डमा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूमा काम गर्न पाइयो. अब नेपालमा किनभने इन्डस्ट्री सानो छ अनि हामीले यो यो सेटअप गर्नको लागि 12-13 करोड लाग्छ मिक्सिङ हल र यो गर्दाखेरि. त्यो भनेको लगभग 20-25 करोड नेपालको. अब त्यति लगाएर इन्भेस्ट गर्नलाई त रिटर्न छैन नि त. त्यो हुनाले चाहिँ त्यहाँ हामी चाहिँ अलिक सङ्कुचित भएर काम गर्नुपर्ने अनि त्यो क्वालिटी पनि त्यति राम्रो नआउनुको कारण पनि त्यही हो कि. नत्र काम गर्ने टेक्निसियन त नेपालमा एकदमै ट्यालेन्ट छन् सबैजनाहरू. उहाँहरूले पनि जस्तो कि यो इक्विपमेन्ट अनि यति चाहिँ यो अपडेटेड प्रविधिहरू पायो भने चाहिँ आउटपुट निकाल्न सक्छ. सन्तोषजीलाई चाहिँ जस्तै नेपालमा यतिको स्टुडियोमा आउने कतिको रहर छ र कतिको सम्भावना होला त यो बनाउन. त अब टिम चाहिन्छ त्यहाँ पनि. अब त्यो किसिमको त्यो लेभलको फिल्म बनाउने मेकरहरू पनि छैन. किन भन्दाखेरि हामीले यो त व्यापार हो होइन. अब एउटा फिल्म राम्रो बनाउनकै लागि यत्रो स्टुडियो खोल्ने कुरो पनि आउँदैन. बलिउडमा 1000 फिल्म बन्छ, नेपालमा जम्मा 100 बन्छ, त्यही पनि ए लेभलको 20 भन्दा बढी बन्दैन. 20 फिल्म नै सबै आए पनि हाम्रो त पुग्दैन कि. अब यो छ नि यो ब्याकअप हो. अब यो मेसिन यहाँ जति पनि फिल्म भएको छ सबै यहाँ स्टोर हुन्छ. यहाँबाट डिआईमा पनि यहाँबाट के अरे सर्कुलेट छ. यहाँ जोडेपछि सबैतिर चाहिँ काम टेबलमा बसेर गर्ने कि. हाम्रो नेपालमा जस्तो त्यो हार्ड डिस्क बोकेर माथि जाने, हार्ड डिस्क बोकेर तल जाने हुँदैन. यहाँ हाम्रो फाइल एकचोटि जोडेपछि सर्भरमा तपाईँको आउटपुट निक्लिँदा जेलसम्म यहीँबाट चलिरहन्छ कि. यो अहिले डबिङ भइरहेको छ, रेड लाइट बोलेको छ. यहाँ चाहिँ डबिङ भइरहेको छ. यहीँ भयो हुँदैन डब. जस्तै प्रेम गीत 3 हिन्दी भर्जन हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो बाहुबलीको फिल पनि कतै कतै आउँछ र दर्शकहरूले पनि बाहुबली हेरे यस्तै होला भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन. खास त्यो बाहुबलीको स्वरमा जसले डब गर्नुभयो नि, जस्तो उहाँहरूको टिमलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी भेटाउनु भयो, कसरी इन्टरेक्सनमा आउनुभयो उहाँहरू, त्यो पनि थोरै भनिदिनु. किनभने दर्शकहरूलाई एकदमै धेरै क्वेसन छ क्या यो प्रति चाहिँ. बाहुबलीकै डबिङ गर्ने जो एक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कसरी आइपुग्नु भयो, प्रेम गीत 3 कसरी जोडिनु भयो भनेर. यस्तो छ, हामीले चाहिँ पहिला नोट गऱ्यौँ हाम्रो क्यारेक्टरको लुक्स अनुसार, उसको एक्सप्रेसन अनुसार, उसको क्यारेक्टर अनुसारको. हामीले चाहिँ त्यो साउथ फिल्म हेर्दै त्यसको भोइस सुन्दै यो यो सुट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नाम लिस्ट बनायौँ क्या. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डबिङ इन्जिनियर भनेको एउटा चाहिँ उसले कोअर्डिनेट गर्छ, जो जो डबिङ आर्टिस्ट चाहियो उसले चाहिँ बोलाइदिन्छ. अनि त्यहाँबाट सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो क्यारेक्टरको त्यो चरित्र अनुसार नै हामीले चाहिँ नोट गरेपछि बाहुबलीको त्यो झुकिएर पऱ्यो. मैले बाहुबलीको भनेर रोजेँ होइन, त्यो भोइस मलाई मन परेर मैले भोइस ल्याउँदा लिएर आउँदाखेरि पछि चाहिँ उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ बाहुबलीको भल्लाल देवको अब सिक्वामी देवीको जस्तो कि केजिएफको हिरोको गर्ने त्यो एस भन्ने हाम्रो एसको गर्ने हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो पुष्पको क्यारेक्टरको गर्नुभएको छ. त्यो उनीहरू चाहिँ त्यो अल्लु अर्जुनको चाहिँ भोइसै सुनेर गरे हो हाम्रो सङ्केत मात्रेको चाहिँ प्रदीप प्रदीपकोमा सुट हुन्छ भन्ने खालको लाएर. डेडपुलमा पनि हामीले त्यसको भोइस सुनेको थियो नि त हलिउड फिल्म हिन्दीमा डबिङ गर्दाखेरि, अनि त्यो चाहिँ मन परेरै ल्याए हो. अरू चाहिँ हामीले त्यो नोट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँको त्यो क्वालिटी अनुसार परे हो. यो रियल टच स्टुडियोको एकदमै ठुलो रहेछ भित्र चाहिँ होइन, यो एम्बियन्स एकदम ठुलो रहेछ. र अब चाहिँ हामी यहाँको मेन जो हुनुहुन्छ रियल टच स्टुडियोको अनर, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ. सन्तोष सरले प्लिज हामीलाई भेटाइदिनु होला उहाँसँग पनि. नमस्ते सर, एभ्रीवन नमस्ते. हाम्रो चाहिँ हाम्रो सुभाष काले सर, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो कि अहिले जति पनि प्रमोसन भइरहेछ, जति पनि अहिले वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलिज हुन गइरहेछ, उहाँकै देन हो. उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. आम दर्शकलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ विश्वव्यापी रूपमा प्रेम गीत 3 चाहिँ लग्दैछौँ. हजुर,
सँगसँगै यहाँहरूकै फिल्मको अर्को एकजना प्रड्युसर हुनुहुन्छ प्रशान्त गुप्ता सर, हजुर उहाँको बारेमा पनि थोरै के भन्नुहुन्छ? दिल्लीमा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुम्बई र दिल्ली चाहिँ घन्टा घन्टामा चाहिँ ओभरदोर गर्नुहुन्छ। उहाँले फिल्मलाई एकदमै चाहिँ डेप्थमा बुझ्नु भएको छ। हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ सुषमा शिरोमणि, जो नायिका हुनुहुन्छ मराठी फिल्मको सुपरहिट नायिका, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको पनि स्क्रिनिङमा पनि दर्शकहरूलाई थोरै यो बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छौँ होइन। अब चाहिँ यो रियल टच स्टुडियोका ओनरसँग हामी थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ होइन, यहाँले सँगसँगै उहाँको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि थोरै सन्तोषहरूले पनि क्यारी गरिदिनु होला। ओके, सन्तोषजीले भनेअनुसार चाहिँ सुभाष सर बनाउँ प्रड्युसर हो, जसले चाहिँ प्रेम गीत तिनको हिन्दी भर्जनको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभएको छ अल ओभर इन्डिया र अल ओभर बाहिर पनि लिनुभएको छ। र सुभाष सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट नमस्कार, थ्याङ्क यू। हम कल से ही आपका वो रियल टच स्टुडियो बहुत अच्छी तरह से विजिट कर रहे हैं, आप भी हमको हेल्प करेंगे क्या? वो न्यूज फिल्मी के दर्शक भी सभी देखेंगे रियल टच स्टूडियो। अच्छा, विजिट से पहले हम लोग ने जो प्लानिंग किया है ना पूरा, जैसे हमारा ग्राउंड इवेंट था या हमारा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ था हिंदी का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा तो 5 तारीख को सिक्किम का था, 6 तारीख को दार्जिलिंग का था, विजिट था जो टीम में से, जिसमें प्रदीप, संतोष और क्रिस्टीना और कलिमपोंग में था, और फिर दार्जिलिंग में था, सिलीगुड़ी में था। ये सारा जितना भी चारों ये था, ये लोग अपनी बहुत सारी मेहनत करके गए वहाँ पर। फिर हम लोग का गवर्नर का था, जो महाराष्ट्र गवर्नर का था, वो हमारा एक, मैं, प्रशांत जी, पवनदीप, यहाँ का ये हमने किया, ये पूरा जो ये बनाया हमने, चार्ट बनाया था। उसके बाद में मनीषा कोइराला का जी के घर पे गए, वहाँ एक विजिट था। उसके बाद में हमारा 9th को कोलकाता था, 10th को गुवाहाटी था। यहाँ से तो हमने भी ज्वाइन किया ना सभी, यहाँ से 9th 10th से तो आपने भी ज्वाइन किया। 13th 14th हमारा दिल्ली का वो जो नेशनल न्यूज़ था, तो उसका हमने यहाँ पर किया। फिर 15th को आपने धनगढ़ और वो सब किया। ये पूरा एक महीने का पूरा प्लानिंग था। 1 तारीख को हमारा जो लॉन्च हुआ, ट्रेलर लॉन्च हुआ, 1 से 25 तारीख तक का पूरा प्लानिंग किया था हमने इस फिल्म का प्रमोशनल, जैसे बॉलीवुड में होता है, जैसे ओवरसीज़ में होता है 3 महीने का, तो पूरा 2 मंथ का एक प्रमोशनल प्लान है। तो वो हमने एग्जीक्यूट किया। सोशल मीडिया अलग चल रहा था, होर्डिंग्स अलग चल रहा था, ग्राउंड इवेंट चल रहे थे, तो इतना बज होने का रीज़न हुआ कि चारों बाजू से हम उसके ऊपर पब्लिसिटी का ये कर रहे थे। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो एक अलग चल रहा था। यहाँ के ट्रेड जितने भी करते हैं, यहाँ पे क्रिटिक्स जितने भी है बॉलीवुड के, वो सबसे ये जा रहा था, न्यूज़ जा रहा था हमारा, वो अलग चल रहा था। और यूट्यूब का अलग चल रहा था कैंपेनिंग, यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर हमारे बारे में बात कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे, उधर अलग चल रहा था। टोटल सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी हम लोग ने ये किया पब्लिसिटी का, होर्डिंग का पब्लिसिटी किया, ग्राउंड इवेंट किया, 1700 थिएटर में ट्रेलर चलवाए, तब जाके ये रिजल्ट कुछ आया कि हाँ ये पिक्चर आ रही है, लोग अवेयर हुए इस फिल्म के बारे में कि हाँ प्रेम गीत 3 ये वर्ल्ड वाइड आ रही। वैसे ही हमने US में भी किया, वर्ल्ड वाइड जो ओवरसीज़ में जो रिलीज़ कर रहे हैं मधु, उन्होंने ये प्लानिंग दिया था। 11 से 24 जी का प्रमोशनल चालू हुआ यहाँ पर इंडिया में, 11 तारीख से 24 तारीख तक एक था, फिर 15 से 24 ओवरसीज़ था, फिर 17 से 24 हमारा रेडियो और OTT था। रेडियो OTT का ये पब्लिसिटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बोलते हैं, इसके सेटेलाइट मीडिया बोलते हैं, सेटेलाइट मीडिया पे भी हमारी फिल्म के सारे प्रमोशन चल रहे थे। UFO पे एक उनका जो पर्सनल पेज है उधर चल रहे थे। ये मल्टीनेशनल जितने भी नेशनल चेन्स हैं हमारे, जैसे PVR, INOX, उसके 350 थिएटर में ट्रेलर कंटिन्यूस 2 वीक्स चल रहे थे। तो काफ़ी एक प्लान बनाया था हमने इसके कि हमारा जो PNA है, PNA जो कॉस्ट है, मोस्टली लोग करते छोटी फिल्मों का PNA कॉस्ट होता है 3 करोड़ से स्टार्ट होता है। अगर रीजनल कोई फिल्म होती है 3 करोड़ रुपया PNA कॉस्ट होता है, इंक्लूडिंग VPF चार्जेस, जो वर्चुअल प्रिंट कॉस्ट बोलते हैं उसको, VPF को। 1-2 मिनट में सारा इन्फॉर्मेशन ही दे दिया, अब हमको रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। सर, अब हम नेक्स्ट ये स्टूडियो विजिट में कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ हुन्छ नि संतोष जी र सुभाष जी, हमको ये स्टूडियो बहुत अच्छी तरह से रियल में विजिट कराएंगे, रियल टच स्टूडियो। बाहर से तो हमने बहुत कुछ देखा, पर अंदर से सर प्लीज, डी डबिंग स्टूडियो है और इसमें काम चल रहा है ना सर? तो स्टूडियो फुल है, सारे बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, काम चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे अलाउ नहीं होता है, चाहे ओनर भी रहेगा तो, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब करेंगे तो उनका ये होता है, बट रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट हम लोग ये ऐसा ये नहीं करते।
सर कितने साल से ये आपका रियल टच स्टूडियो में आप 10 साल तो हो गया बॉलीवुड में, करीबन 400 फिल्में किए इस स्टूडियो ने, सारे बॉलीवुड के जितने भी स्टार है यहाँ पर आते हैं, अक्षय कुमार से लेके सब, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, सभी जितने भी भूमि पेडनेकर हो या अनन्या पांडे हो, धर्मा के सारे स्टार्स हैं, जितने भी बॉलीवुड के सभी स्टार को पता है स्टूडियो, सभी लोग आते बड़े इससे, 15,000 स्क्वायर फीट में स्टूडियो है, तो करीबन 300-400 फिल्में हमने यहाँ से 10 साल में की, हर साल की 40-50 फिल्में जाती है। लेटेस्ट में अभी लाइगर रिलीज़ हुई, बुलबुलिया 2 हुई, हर साल की 10 या 12 सुपरहिट फिल्में हम देते जो ब्लॉकबस्टर 100 करोड़ क्रॉस होती है। और संतोष सेन का जो है ये फिल्म से प्यार हो गया और इस आदमी से प्यार हो गया। ये आपका यो ये फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत चर्चा में है आजकल, संतोष जी और आपका फ्रेंडशिप। ये सच्चा प्रोड्यूसर यही है, ओरिजिनल प्रोड्यूसर तो संतोष ही रहेगा। मैं प्रेजेंट करते हैं ना, जो प्रेजेंट करते हैं हमारे बॉलीवुड में क्या होता है, बॉलीवुड में एक ये है जो प्रोड्यूसर ओरिजिनल ये है, बट एक प्रेजेंटर आता है जब वो अपना कॉस्ट ये करता है ना, प्रेजेंटर जैसे हीरोस प्रेजेंट है या ये है, कोई भी प्रेजेंटेशन में जैसे आ जाता है, जैसे फॉक्सस्टार प्रेजेंट आ गया, तो फॉक्सस्टार प्रेजेंट आया तो वो सब ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर में नाम जाता है। तो हमारी कंपनी प्रेजेंट किसी को करने ही वाली थी, ऐसे भी हमने प्लान किया था कि अभी हम 2 फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन्होंने मुझे अचानक ट्रेलर दिखाया, तो मैं पहले से इन्वॉल्व था इस फिल्म में, इसका बैकग्राउंड भी मैंने करवाया अमर मोहिले से, सारे लोगों को मैंने दिया, जैसे भी इनके साथ में था, मैंने जितना भी है आदमी इधर जुड़ा है सब सुभाष के बल से लाया। मुझे एक बात आप दोनों से पूछनी थी, संतोष सर का और सुभाष सर से वो मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग तो पॉसिबल नहीं होगा ना मुंबई आते ही, पर कब एक साल लगा, एक साल आपको वेट करना, एक साल के वो इधर सुभाष सर के ऑफिस में तो कोई जाने का वो हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि वो पता भी नहीं होता है इधर वो इतने लोग आते होंगे ना, मीटिंग होता है सर इतना बिजी होता है, वो 2 घंटे के बाद भी वो टाइम नहीं मिलते, वो मैंने हिम्मत किया सर को, वो नॉक किया उधर जाके, सर प्लीज एक बार ट्रेलर देखने के लिए चलिए उधर मिक्सिंग रूम में, सर चला उसी स्टूडियो से कॉल करके अमर सर को बोला ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ऐसा है, इसको इनहांस करके और बड़ा बनाना है, फिर उनको तो वो फिल्म दिल में घुस गया, फिर चालू हो गया। हाँ नहीं, मैं जब ट्रेलर देखने गया मिक्सिंग में तब, तो ये मेरे पास आया कि सर ट्रेलर देखो, अभी तो हम डेटा लेके जाएंगे और आप हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ज़रा बात कर लो लाइन प्रोड्यूसर से, तो मेरे पास तो पूरी टीम है, तो लाइन प्रोड्यूसर मैं बात नहीं करता हूँ, मोस्ट जो मेन मीटिंग्स होती है वही करता हूँ, काफ़ी बिजी रहता है सब, क्योंकि डिलीवरी चलती रहती है हर हफ्ते में, ये फिल्म की वो फिल्म, जैसे आप देख रहे हो कि मैं पूरा प्रेम गीत में अभी बिजी हूँ, तो वैसा एक एक फिल्म को मुझे समय देना पड़ता है, और टेक्निकली क्रिएटिवली मैं पूरा टेक्नोलॉजी भी संभालता हूँ, देखता हूँ, ट्रबल शूट भी देखता हूँ मैं यहाँ का, तो सारा स्टूडियो है, पोस्ट प्रोडक्शन है, एक एक तरह का एक हॉस्पिटल ही है, तो हॉस्पिटल में जैसे मरीज आता है वैसे फिल्म आती है, तो पूरा उसको तो ये करना है। संतोष जी भी मरीज के रूप में आए थे ना फिल्म की तीन, हॉस्पिटल में कैसे अभी तो इलाज हो चुका है, यहाँ पर कैसे है, कोई भी फिल्म जब आती है बन के वहाँ से शूट होके जो आती है उसका प्रोसेस होता है पोस्ट प्रोडक्शन का, और वो बहुत ही सीरियस लेवल पे करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये इनको पता है एज अ डायरेक्टर। आप भगवान के इतने नज़दीक है इस वक्त है ना, प्लीज़ ऑनेस्टली बताइए, प्रेम की तीन जब आपने वो ये लोग नेपाल से आए तो आपने उस फीचर क्या देखा कि आपने ओके कर दिया, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म्स भी आते हैं ना। सबसे पहले तो क्या है, मेरे पास अभी 50 पिक्चरें पड़ी है जो मुझे रोज़ बोलते हैं सो रिलीज़ कर दो इस फिल्म को, फ्री में कर दो, पैसा भी नहीं चाहिए, आप ले लो इनको, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो, और अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो कनाडा में बड़े बड़े लोकेशंस पे शूट हुए। इस फिल्म में देखने का क्या है, तो इनका जो मासूमियत है ना, इनके इमोशंस है, इनका जो मेहनत करने का जो संतोष का एक ये है, और मैं देख रहा था कि रात दिन लगा हुआ है, मैं बोला ऐसा कौन से सोने की खान खोद रहा है भाई, ये कहाँ से इसको गोल्ड मिल रहा है, कोई माइलस्टोन बनाया क्या, पूरा दिन ये बैठा रहता है। तो उसके साथ में प्रदीप को तो मैं जानता भी नहीं था कि हीरो है फिल्म का। आपको क्या लगा था पहले जब आपने देखा, आता है मिलने के तक वो हीरो है पता नहीं नहीं चला, फिर मैं उधर देखा स्क्रीन, जब ट्रेलर देखा तो मैं बोला हीरो तुम है इस पिक्चर का, ऐसा बात किया मैंने, बोला हीरो हो तुम इस फिल्म के, तो हाँ मैं ये हुआ कि इस ये तो लगता नहीं है मुझे हीरो, जो स्क्रीन पे जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस अलग है, और यहाँ का एकदम वो डाउन टू अर्थ, और साथ में दोनों भाई बन के साथ दे के काम कर रहे, एक दिन ये देखा जो मैं तो साल 2 भर से देख रहा था कोविड में, और मैं इनके साथ ही था,
सो मुझे लगा कि ये दोस्ती इनकी जो है, ये जो कमिटमेंट है, ये ऐसा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो शायद फिल्म बहुत अच्छी होगी। अंदर से मुझे देखना चाहिए, मुझे और सपोर्ट करना चाहिए, मुझे टेक ओवर करना चाहिए और ये लोग को एक बार बॉलीवुड में आने का चांस देना चाहिए कि ये भी फिल्म जैसे साउथ इंडस्ट्रीज आ रही है डब होके और लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत मेहनती है, प्रदीप मेहनती है और फिल्म का लुक भी बहुत अच्छा है। ये तो है ही मेहनती बहुत ही, बट फिल्म भी बहुत अच्छी लगी मुझे जब अभी देखा, मैंने कल देखा। टेक्निकली मैंने काफ़ी काम किया उसमें, बट अभी जब फाइनली देखा कल, तो मुझे लगा कि हमारी जो फिल्म है अच्छी है, हम खुश हैं हमारे काम से, इनके काम से भी खुश है और हमने यहाँ जो स्टूडियो से भी काम किया, हमारे जो योगदान हमने दिए इस फिल्म को, उससे भी हम काफ़ी खुश है। और इतना प्रमोशनल किया हमने, जो प्लानिंग किया उस हिसाब से भी, जो पब्लिक का रिस्पांस मिला उससे भी बहुत खुश है। और अभी जो बॉक्स ऑफिस का देख भी रहे, ओपनिंग लगा है जो 50-70% 74-75% ऑक्युपेंसी मिल रही है, हाउसफुल जा रहा है इंडिया में, उसके भी बहुत खुश है। तो ये सबका जो फ़ायदा होगा वो सब पूरी इंटायर टीम को होगा, ये नेपाल गवर्नमेंट को होगा, नेपाल की टूरिज़्म बढ़ेगी, इसमें सबका ग्रोथ है, अकेला किसी का ग्रोथ नहीं है। और हम टीम बन के काम आगे भी करेंगे संतोष के साथ। ही इज़ अ वेरी गुड गाय एंड माय गुड विशेष विथ यू। थैंक यू। हमें स्टूडियो भिजिट करने काम भी गये, सुभाष जी को कुरा भी सुन्यौं, संतोष जी को कुरा भी सुन्यौं, धेरै जति मिक्सिंग डबिंग भी देख्यौं, अफिसहरु प्रेम गीत तीन को पोस्ट प्रडक्शन को काम कहाँ भइरहेछ यहाँहरुले मजाले देख्नुभयो र सँगसँगै घरमा बसेर देख्नुभयो र प्रदीप जी पनि आइपुग्नु भएको छ। प्रदीप जी यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। ओके, हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोर देखि नै यो अफिस कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ र यो यहाँ भित्र चाहिँ यो कम्प्लेक्स भित्र चाहिँ कुन कुन अफिस छ भनेर पनि दर्शकहरुलाई मजाले देखाएँ। 101 मा रियल टच स्टुडियो छ जहाँ चाहिँ प्रेम गीत तीन को काम भएको थियो र हुन्छ नि यहाँलाई चाहिँ यो फर्स्टमा जब यो चेम्बर आउनुभयो होइन, सुभाष सरहरूलाई जब भेट्नुभयो, जस्तै कतिको गाह्रो थियो पहिला जस्तै उहाँलाई कन्भिन्स गराउन कतिको गाह्रो थियो, यो स्टुडियोभित्रै पस्न कतिको गाह्रो थियो? सुरुमा आउँदाखेरि अब त्यस्तो म त फर्स्टमा यहाँनिर फाइल इन भइसके पछाडि, कन्टेन्ट इन भइसके पछाडि मात्रै आएको हो म। पहिला दाइहरूले उता हामीले अर्को ठाउँमा डबको कामहरू सघाइसके पछाडि यहाँ मेजर कामको लागि आएको। मैले भेटेको त एडिटको बेलामा हो, सञ्जय सरले पनि यहाँ एडिट गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि एडिट एक ड्राफ्ट फाइनल भएको थियो, अनि सरसँग भेटेको त झन् पछि हो, अलि पछि नै पछि। कतिको गाह्रो हुन्छ नि, कति चाहिँ अब सोचौँ, करोडौँको 100 करोड 200 करोडको फिल्महरू भइरहन्छ, त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू हुन्छ होइन, पाइरेसीका कुराहरू हुन्छ, त्यो सब सरले जिम्मा लिएर बस्नु परिरहन्छ। म बोल रहा हुँ कि पुरा अब 100-200 करोडको पिक्चर कि पाइरेसीको मतलब रिक्स पुरा होइन, यो त इतना बडा टाइट सेक्युरिटी हुन पर्ता है इधर, तो सब चिज सर देखते हैं इधर, सेड्युलिङ से लेकर के सब कुछ, तो बहुत बिजी रहते हैं और इतना ज़्यादा डिल्स मिटिङ्स भी होती है ना। हाँ, उसके बावजूद एक दो दफ़ा हम मिले इनसे शेड्यूल के लिए, और जब ट्रेलर देखा सर ने तो फिर हमारा हेडेक खत्म सर ने हमारा हेडेक शुरू और इनका खत्म। वाले अगी भन्नु पनि भयो मेन्स इनके लिए बहुत ये है, कल का जो भी प्रीमियर हमने जो देखा, शो देखा, तो उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। और क्रिस्टीना और प्रदीप और संतोष, इनका काम को बहुत ज़्यादा तारीफ मिलने वाली वर्ल्ड वाइड, जो कल देखा, जो हमने मैंने खुद ने देखा, क्योंकि क्या होता है ना, एक डॉक्टर जब चेक करता है ना किसी पेशेंट को, तो उसको पता चल जाता है कितना इसका बीमारी है। तो मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो यहाँ इस स्टूडियो में कितनी फिल्में मैंने प्रोसेस की है, तो कल पूरी फिल्म फाइनल देखने के बाद मुझे लगा कि इस फिल्म में बहुत अच्छे क्रिटिक्स रिव्यू आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सा इनको सराहने वाले, इनके एक्टिंग को, इनके प्रेजेंस को, डायरेक्शन को भी अच्छा कमाल का रिव्यूज आएगा कि, और सिनेमाटोग्राफी सबसे बेस्ट है उनको भी आएगा। तो नेपाल के लोगों के लिए गर्व की बात है कि 50 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है और 50 कंट्रीज़ में जब ये लोकेशन जाएंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा, तो नेपाल गवर्नमेंट ने के लिए बहुत अच्छा है। और नेपाली लोग जहाँ भी जाएंगे तो गर्व से कह सकते कि देखो हमारी मूवी भी किसी से कम नहीं है, हॉलीवुड से कम नहीं है, ये गर्व की बात होगी और उसमें हमारा योगदान होगा, हम फॉरेनर कहलाएंगे कि हमने इसको वर्ल्ड वाइड उसको रिप्रेजेंट किया, उसी बात की खुशी है। जो भी बॉक्स ऑफिस करे, लोगों का प्यार मिले इस फिल्म को, 23 को कल परसों रिलीज हो रही है। मैं चाहूँगा नेपाल वासियों को कि आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 23 से लेके 1 वीक इसको हाउसफुल कर दे पूरा नेपाल में, और जो हमारी मेहनत लगी है, जो संतोष सेन का पैसा लगा है, हमारा पैसा भी रिकवर हो जाए इसमें अच्छे से, और आपका प्यार भी हमें मिल जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
सन्तोष जी हिजो जस्तै अब हाम्रो बलिउडको ट्रेड एनालिस्ट जो हुनुहुन्थ्यो होइन कोमल नाटाजी उहाँ पनि आउनुभएको थियो उहाँको अरू चाहिँ फिल्म हेरिरहँदा यहाँलाई कतिको डर थियो या त कतिको हुन्छ नि के थियो खास फिलिङ भन्नुपर्दा इनर फिलिङ कस्तो थियो डर त खासै थिएन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदमै इमान्दारिताका साथ काम गरे हो अब जस्तो कि मलाई मनपर्ने मैले काम गर्ने हो जस्तो कि कमल सरलाई कस्तो मनपर्छ भन्ने त मलाई त्यति खासै थाहा छैन नि त त्यो हुनाले चाहिँ उहाँले जसरी यति धेरै फिल्मको समीक्षा गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले त्यो फिल्मको बजेट अनि त्यो फिल्मको त्यो लुक अनि त्यो फिल्मको जुन जुन ठाउँमा हामीले सुट गरेको छ त्यो अनुसारको पनि समीक्षा हुन्छ होला सायद त्यो हुनाले चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो अनि त्यो रेस्पोन्स देखेर म त अत्याधिक खुसी छु ओके प्रशान्त सर चाहिँ म लास्टमै पुछ्न चाहँ कि आप कितने कन्फिडेन्स है इस फिल्मको लेकर म त यसको कन्फिडेन्स त सुरु से हुँ जसपछि मैले ट्रेलर देखा यसका तब से मैं तो कॉन्फिडेंस में हूँ कि बाकी ओपनिंग का आज जो हमारे टिकट ओपन हुए हैं सारे शो हाउसफुल हैं अभी तक के बाकी और खुल रहे हैं शो और उम्मीद पूरी है कि ओवरसीज और यहाँ मिला के जैसे मार्केट न्यूज आ रही है 5.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग आनी है तो उम्मीद है पूरा इतना आएगा नहीं 5.5 करोड़ का तो ओपनिंग मिलना ही चाहिए लगेगा ही क्योंकि जिस देख रहा है लगेगा ऐसा लग रहा है मुझे वो स्पेशल स्क्रीनिंग में आपने कैसा रिस्पॉन्स पाया कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था जितने भी लोग आए थे उन्होंने बहुत अच्छा बोला है सॉन्ग सुपर हिट हैं बाकी स्टोरी सुपर हिट है और लोकेशंस बहुत अच्छे हैं बाकी हमारा हीरो है हीरोइन है दोनों उनकी एक्टिंग अच्छी है वो स्पेशल शो के बाहर सबसे ज़्यादा खुश मुझे प्रशांत सर लग रहे थे इतना ज़्यादा खुश थे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे मुझे, तो मुझे सबसे ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस यही लगे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते पीछे देखते देखते मैम आपको भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कल भी हमने थोड़ा सा बातचीत किया था अब मैं पूछना चाहूँगी बात करने वाले लोग हैं इधर आपको वो स्पेशल स्क्रीनिंग जब आप देखकर बाहर निकली आपके फ्रेंड ने आपके फैमिली ने कैसा रिस्पांस दिया आप कितनी कॉन्फिडेंस है इस फिल्म को लेकर हम तो 100% कॉन्फिडेंस है मोर देन 100% और हमारी फैमिली सबको बहुत फिल्म अच्छी लगी और भी जो भी लोग इनवाइटेड थे उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म बहुत अच्छी लगी हमने कल रिव्यू भी मांगा था जो जो जिस जिसने फिल्म देखा था और आप क्या कहेंगी इसका ओपनिंग कैसा होगा आप कितनी कॉन्फिडेंस है ओपनिंग को सब जगह हाउसफुल हो गया है आप देख लीजिए सब जगह हाउसफुल है बुकिङ सुरु आजबाट त हामीहरू बुकिङ बुकिङको रेस्पोन्स हेरेर अब हाउसफुलको टुर कहाँ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्लानिङमा लाग्न थालिसक्यो बेङ्गलोरबाट टुर सुरु गरेर हामीहरू अब जहाँ जहाँ हाउसफुल छ अब हम वो हाउसफुल हो गए होइन सारे टिकट तो टुर कि प्लान गर्ने लग गए होइन वो थिएटर भिजिट कि हजुर तो वही रात तक पुरा ओपन हो जाएगा रात तक हमारा सब पुरा या कल दोपहर तक पुरा लिस्ट आ जाएगी उसकी जो मल्टी नेशनल चेन की और सारे सिंगल स्क्रीन और प्रीमियम जो भी थिएटर्स होंगे उसकी तो मुझे लगता है कि कल रात तक हमें पता चल जाएगा फाइनली कि हमारे शोज़ कितने हैं क्या है कितनी जगह ऑक्यूपेंसी कितनी जगह ये है अभी फिलहाल तो कुछ बता नहीं सकते कल रात को बता सकते बट अभी जितना भी मैसेज आया हाउसफुल का हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट फिल्म इंडो नेपाल की फर्स्ट फिल्म है और इतना रिस्पांस इन्होंने जितना मेहनत किया है आप लोगों ने जितना रिस्पांस दिया है सब लोगों ने इतना पब्लिसिटी हुआ है तो एवरी हाउसहोल्ड इज़ वेटिंग फॉर रिलीज ऑफ दिस फिल्म एंड ऑलरेडी टुडे मैक्सिमम शोज आर हाउसफुल और इनको तो इतना पॉपुलर हो गया दोनों इनका फेस देख के ऐसा लगता है कैटरीना कैफ और सलमान खान जैसा पॉपुलर हो गया ऐसा इन लोग इतना पॉपुलर हो गया अभी इनका फेस देख के मालूम पड़ा अरे प्रेम गीत का स्टार लोग है ये आप लोगों ने भी मीडिया ने बहुत हेल्प किया है थैंक यू सो मच और आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि प्लीज़ मेक दिस फिल्म मोर देन सक्सेस इट इज़ अ रिलेशन टू नेपाल एंड इंडिया थ्याङ्क यू जाँदा एउटा लास्ट क्वेसन होइन जसरी यहाँ इन्डियन प्रड्युसरहरूले चाहिँ जसरी यहाँलाई हाम्रो एक्टर भन्नुभयो यानि कि हाम्रो एक्टर
यो एक्सेप्टेन्स देखेर यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? डेफिनेटली अब बाहिरबाट आएर हामीले चाहिँ हामीले नै आफूले आफूलाई नै चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि नै हामी कहाँको के हो भनेर प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो फिल गरिराख्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मान्छे हो भनेको सुन्दाखेरि यो हाम्रो एक्टर हो होइन उहाँले पनि कम्पेयर गर्दाखेरि पनि यहाँको यस्तो राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि ऊ गरिदिनुहुन्छ त्यो हिसाबले त धेरै खुसी छु। जसरी यहाँ हाम्रो एक्टर भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसरी इन्डियन अडियन्सले पनि हाम्रो मान्छेको फिल्म हाम्रो फिल्म भन्नुभएको खण्डमा नेपाली अडियन्सले पनि यो चाहिँ हाम्रो मान्छे हो हाम्रो फिल्म हो भन्नुभएको खण्डमा चाहिँ धेरै धेरै खुसी हुनेछु। थ्याङ्क यू। आपको हमारा स्टुडियो कैसे लगा? बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही अच्छा है मैडम। इवन नाउ आई हैव टेकन द शेयर्स, यहाँ पे हमने भी शेयर्स लिया है और इवन मैं भी डायरेक्टर हूँ इस शेयर स्टूडियो का, हम इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं एंड इट इज़ इन एशियाज नंबर वन स्टूडियो। ऑल बिग फिल्म्स जो भी आप इंडिया में या आउट कंट्री में देखते हैं, जितना भी बड़ा बड़ा फिल्म भी और रीजनल फिल्म्स भी जिसका रिपोर्ट बहुत अच्छा आता है, देर ऑल फ्रॉम दिस स्टूडियो। या थैंक यू। थैंक यू।